डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजीनेट प्रो पे। आज हमारे साथ हैं मट्टुंजे जी, इन्होंने एनटीयूजीसीनेट हिस्ट्री में जेआरएफ क्वालिफाई किया है और इनकी क्या जर्नी रही है, इनको क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो सभी हम जानेंगे। अभी बहुत से हमारे दोस्त हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका नहीं हुआ है, तो इनको भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आई होगी, तो वो सारी चीज़ें इनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, आपने जो मुझे इनवाइट किया और मेरी जो स्थिति रही, मैंने जो जिस तरीके से मतलब तैयारी की, अगर मेरी तैयारी से मैं अपनी अन्य मित्रों के साथ साझा कर रहा हूँ, अगर उन्हें कुछ मतलब इससे फायदा मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा इसलिए। और मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था और मेरे हिस्ट्री में 99.9% मार्क्स थे, लगभग मेरे 100 जो क्वेश्चन बन रहे थे, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मेरे दोनों सब्जेक्ट में सही थे, जिसमें फर्स्ट पेपर में मेरे 35 क्वेश्चन सही थे और हिस्ट्री में मेरे 65 क्वेश्चन सही थे। और इस तरीके से मैं आंसर की जब मैंने चेक किया था तभी मैं श्योर हो गया था कि जेआरएफ हो गया है। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब था तो मेरा 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था, तो मेरा नेट निकला था लास्ट ईयर, तो मुझे उम्मीद थी कि इस बार हो जाना चाहिए क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं था कैसा एग्जाम पेपर वगैरह आएगा, तो फाइनली इस बार मेरा जेआरएफ हो गया और मुझे अच्छा भी लगा और मुझे काफी यूट्यूब से भी जो टीचर्स पढ़ाते हैं ट्यूटर उनसे मुझे काफी फायदा मिली और मैंने यूजीसी का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने देखा कि मुझे क्या टॉपिक कहाँ से लेने हैं और मैंने एक अपना नोट्स भी बनाया था फर्स्ट पेपर का खुद का। यस यस सर, बहुत अच्छी बात है सर और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपका जेआरएफ हुआ है सर। और इसमें सर जैसे कि हम बात करें कि जैसे काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं कि जो 6-6 बार अटैम्प्ट देते हैं, 4 बार अटैम्प्ट देते हैं, उनका नहीं हो पाता, और लेकिन आप जैसे दोस्त है जो सेकंड बार में फर्स्ट बार में क्वालिफाई कर पाते हैं, तो उन लोगों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या आपने जैसे और दोस्तों को भी ऑब्जर्व किया होगा आपके साथ कर रहे हैं, तो उनमें और आप लोगों में क्या डिफरेंस होता है, उनका क्यों नहीं हो पाता, कहाँ कमी कहाँ रहती है सर? मैंने सर देखा है जो मेरे फ्रेंड्स भी कई 4-5 बार नेट निकाल रहे हैं, उनका जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो मैंने देखा है कि जहां तक वो प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं, कैसे उनका मैंने ना उनका फर्स्ट पेपर में वो नोट्स बनाते हैं कैसे एग्जाम हुआ, तब उन्होंने तब इधर उधर भाग रहे हैं, बुक्स ढूंढ रहे हैं, किससे पढ़े, यूट्यूब से किसका वीडियो देखें, अधिकतर उनकी यही गलतियां रहती हैं। अधिकतर मेरी जानकारी में जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका नेट वगैरह निकला है जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो मैंने उनकी यही कमी देखी है कि वो नोट्स नहीं बनाते हैं फर्स्ट पेपर का। और फर्स्ट पेपर अगर आपका अच्छा नहीं है, 30 क्वेश्चन एवं नहीं है, तो आप जेआरएफ निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हमारे हिसाब से अगर जेआरएफ किसी को निकालना है तो फर्स्ट पेपर को भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी 60%+ स्कोर करे तो जिससे बिल्कुल ये टेंशन ना रहे कि मेरा होगा या नहीं होगा। अगर आप 60% से अच्छा ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो फाइनली मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए अगर किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो। यस सर, और सर जैसे कि हम बात करें कि पेपर सेकंड और फर्स्ट की बात करें, तो इसके अंदर ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना महत्व है? सर मैंने फर्स्ट पेपर का जो सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर दोनों के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मैंने यूथ पब्लिकेशन का फर्स्ट पेपर का एक आता है टॉपिक वाइज, तो मैंने वो जी मैंने सर वो 2 बार सॉल्व किया पूरा पूरा। और मैंने यहाँ तक ये भी किया था कि फर्स्ट पेपर में जो वो सॉल्व पेपर है प्रीवियस का लगभग वो बहुत मोटा है, लगभग 400-500 पेज का है, तो मैंने क्या किया था, मैंने उसे बनलाइनर में कन्वर्ट कर लिया था। कैसे, मैंने अगर मतलब मैंने अपनी नोट्स में कैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा पहले थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज यूजीसी की, फिर मैंने जब मेरा नोट्स कंप्लीट हुआ तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे मैंने उन्हें बनलाइनर में कन्वर्ट कर दिया, जो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कैसे मैंने क्वेश्चन लिखा और छोटा सा देश मार के आंसर लिख दिया, तो मेरा क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड का 7-8 पेज में नोट्स कंप्लीट हो गया। तो मुझे रिवीजन करने में मुश्किल से, जब मुझे इस बार मैंने एग्जाम दिया तो मैंने मात्र 2 दिन फर्स्ट पेपर का तैयारी, क्योंकि मेरा 60 नोट तैयार हो चुका था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थे जो मेरे पास वो 4-5 पेज में हर टॉपिक के थे, तो मुझे रिवीजन करने में सर टाइम नहीं लगा इस बार ज्यादा। लेकिन ये लेकिन सर ये पॉइंटर मैंने खुद बनाया था, इसमें मुझे लगभग 7-8 दिन लगे थे और मैंने बहुत पूरे पूरे दिन उसमें काम किया, लेकिन फाइनली मुझे इस बार बहुत उसका फायदा हुआ है। ये पूछ रहे सर यहाँ पे, मान लो उनका कितना कितना महत्व रहता है, कितने प्रतिशत ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में से आता है, क्या महत्व रहता है?
सर वहाँ तो हमारे हिसाब से तो ये है कि उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, कि पहले तो ये पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है हमसे, उसकी क्या डिमांड है और उसकी सप्लाई हम कैसे पूरी करेंगे। तो डिमांड देख के फिर आप सोर्स ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से सोर्स लेना है, और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। कैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड, किसी मेरे छात्र के कोई स्टूडेंट वगैरह पढ़ रहा है, अगर उसने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करे, उससे जिससे ये पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने से। कुछ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी होता है, मतलब रिपीट भी होते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर नए क्वेश्चन भी आए तो आपके, अगर पुराने प्रश्नों के आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा उसका। और जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है तो उसमें कम से कम यानी कि 30% हमारा जो पैटर्न होता है वो पीछे जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वैसा ही पैटर्न होता है। कई बार क्या होता है कि वो काफ़ी बार तो हमने जैसे आपको प्रूफ भी दिखाया है कि डिट्टो कॉपी क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। और कई बार क्या होता है कि उसकी स्टेटमेंट अलग कर देंगे, चेंज कर देंगे, जो आंकड़े हमारे हैं वो चेंज कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा पैटर्न उसको सोल्व करने का तरीका हमारा वही होता है। जैसे हम बात करें कि इसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर डीआई के अंदर भी हमारे पैटर्न जो है पैटर्न हमारा रिपीट होता है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे देखे हैं। तो अपने दोस्तों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी दोस्त अगर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमने निमिज नेट चैनल पे 2012 से लेके अभी 2021 तक सभी शिफ्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग कर रखे हैं। जैसे कि सर ने बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने अलग से करने हैं, तो वो हमने अलग से किए हुए हैं। रिसर्च के अलग है, लॉजिकल रीजनिंग के अलग है, सभी यूनिट के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन अलग अलग हमने कर रखे हैं। इससे क्या है कि आपका टाइम बच जाएगा और आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड मिल जाएंगे विद आंसर टिक, तो इन दोनों का आपको लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट 2021 एग्जाम में निमिज नेट के साथ में 14 दोस्तों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और 65 दोस्तों का नेट क्वालिफाई हुआ है। अब आप भी हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छे से तैयारी करके आप अपना नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी 12 मार्च से हमारा जून 2022 के लिए न्यू बैच शुरू हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट दोस्तों बहुत ही नाम मात्र है, 6 महीने की स्टडी आप केवल 600 रुपये में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नेट और जेआरएफ चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जेआरएफ है। और इसके अलावा सर जैसे हम पेपर सेकंड की बात करें आपके, तो उसमें आपने बुक्स बुक्स कौन सी बुक्स पढ़ी जो हमारे और दर्शक हैं उनके लिए तरीका? जी सर, मैंने सेकंड पेपर के लिए मैंने केडी संघ आईएएस एकेडमी इलाहाबाद में है, और तो मैंने उनकी सर की क्लास की थी, और उन्होंने जितना पढ़ाया उन्हें उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया था, सर की क्लास को, नोट्स को मैंने। और मैंने बुक पढ़ी थी एंसेंट के लिए, मैंने सौरभ चौबे सर की बुक पढ़ी थी, मेडवल के लिए, मध्यकालीन इतिहास के लिए भी मैंने सौरभ चौबे पढ़ी थी, और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और केडी सिंह की ही एक बुक आती है आधुनिक इतिहास। मैंने इन तीन बुक, मतलब ये चार बुक को फॉलो किया था, और मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, और सर का नोट्स पढ़ा, और मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आता है एक घटना चक्र का मैंने परिचित किया था, और एक एक आता है यूथ पब्लिकेशन का, उसमें 10,800 क्वेश्चन दिया है, तो मैंने इन दोनों को दो 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 से तीन बार सॉल्व किया, बार बार। जैसे मैंने एक बार पूरा सॉल्व कर दिया, फिर मैंने एक बार रिविजन भी किया, और मेरी कोई जो उससे मुझे काफी फायदा मिला, काफी क्वेश्चन रिपीट भी हुए, फाइनली मेरा हिस्ट्री में भी 65 स्कोर रहा। ये सर काफी अच्छा रहा है सर आपका।
और अभी जैसे हमारे और दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स और क्या स्ट्रेटेजी आप बताना चाहेंगे उनको कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उनको? सर मेरा जो अनुभव है, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, एनटीए यूजी ने यूजीसी ने जो सिलेबस दिया है, चाहे सब्जेक्ट का हो चाहे फर्स्ट पेपर का हो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी को नोट्स बनाना चाहिए। अगर सब्जेक्ट में हिस्ट्री में है प्रॉपर और नोट्स अगर बना लेंगे कंप्लीट, उसमें कुछ टाइम लगेगा, उसमें आप किसी टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपका कैसे बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि सेल्व करेंगे तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में कितनी बुक्स पढ़ लेंगे, एक दो तीन, लेकिन कोई अगर टीचर है जो 15 या 20 सालों का एक्सपीरियंस है, उसने बहुत स्टडी कर रखी है, तो आपको अगर उसे भी फॉलो कर लेंगे और आपको एक पर्टिकुलर बुक पढ़ ले रहे हैं तो उससे बहुत फायदा मिलता है। लेकिन हाँ, सब मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा से जितनी बार सॉल्व कर पाए आप करें। और इसके अलावा कोई और, जैसे मैंने एक बार एक वो क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट करूंगा आपसे कि जिन दोस्तों का एक बार भी नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जो डीमोटिवेट हो गए, उनको उनको मोटिवेशन के लिए आप क्या कहेंगे? काफी दोस्त ऐसे हार मान चुके हैं कि यार अब तो नहीं होगा हमारा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा तो ये, मैं उनसे यही कहूंगा कि जिसका नेट नहीं निकला तो उसको खुद मालूम है मेरा क्यों नहीं निकला है, क्योंकि अपनी कमियों का सही सही आकलन उसी को होता है जिसका मतलब जो असफल हो रहा है, उसे खुद मालूम होता है कि उसकी कमी कहाँ पे है। उन कमियों को पहचाने, उन्हें नोट्स करे, नोट बनाए, मतलब नोट करे कि मेरी कमी क्या क्या रही उस, तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करे, नेक्स्ट अटेम्प्ट पे श्योर निकलेगा। मेरी भी सर बहुत सी कमियां थी और मैं नोट जरूर करता हूँ कि अगर मैं किसी भी एग्जाम में मेरा अगर मैं असफल हो रहा हूँ तो क्यों हुआ, और अगर किसी का निकला है तो उसका क्यों निकला, उससे बात करता हूँ, उसने क्या किया, उसकी स्ट्रेटेजी समझता हूँ। और कोई भी एग्जाम हुआ, कैसे मैं सिविल सर्विस का एग्जाम देता तो मैक्सिमम कुछ स्ट्रेटेजी कॉमन होती है सेम, और कुछ बुक्स होती हैं जो सभी पढ़ते हैं। कैसे फर्स्ट पेपर के लिए मेरे पास केवीएस मदान की भी मैंने बुक, केवीएस मदान सर की बुक परचेज की थी। तो मैंने जो लास्ट ईयर जब मैं यूट्यूब से कैसे मैं वीडियो देख रहा था, बहुत से मैंने चैनल देखा, आपका भी देखा, अदर टीचर का देखा, तो मैंने देखा कि क्या चल रहा है कहाँ किधर क्या। तो मैंने केवीएस मदान कैसे मैंने कोई टॉपिक अगर मैंने नोट्स बनाया उसका, तो केवीएस मदान सर की बुक में भी टॉपिक देखा कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उनके क्वेश्चन उन्होंने टॉपिक वाइज दिए हैं वो भी देखा है। तो बुक्स और सर लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो काफी दिन सालों से पढ़ा रहे हैं तो उन्हें काफी अनुभव है एग्जाम की डिमांड क्या है, और फिर ये सब चीजें देख के एक नोट्स बनाना चाहिए और अपनी कमियों को जरूर दूर करना चाहिए। कैसे अगर इस बार के किसी का ना निकला हो तो वो ये देखे कि निकला क्यों नहीं है, कि कमी जरूर कुछ ना कुछ रही होगी, उन कमियों को अगर दूर कर लेगा तो निकल जाएगा सर। यस सर, थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छे से बताया है अपने दर्शकों को, और मैं उम्मीद करता हूँ उनको मोटिवेशन मिला होगा और उन दोस्तों का भी नेट और जीआरएफ जरूर होगा। और सही कहा है सर ने कि अपने अंदर कमियाँ देखिए, कमियाँ कहाँ पे, कमियाँ ज़रूर होती है, हाँ आपको पता ना चले वो बात अलग है, लेकिन पता कीजिए आपके अंदर कमी कहाँ पे है। और बहुत बार हम क्या करते हैं कि टॉपिक्स हैं उनको इग्नोर करते जाते हैं, जैसे एक मेन प्रॉब्लम होती है कि डीआई, डीआई का नाम सुनते ही दोस्त डर जाते हैं, बहुत बार डीआई से डर गई, और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा थोड़ा आता है, इस तरीके से करते करते हमारे काफ़ी टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जो हमें नहीं आते और जो हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसी वजह से हम रहते हैं। तो यही है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपके लिए भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सर, आप आगे भी कामयाब हो। सर और डीआई के लिए मैं बस इतना बताऊंगा कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, अगर डीआई अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर ली जाए 4-5 दिन की, मैक्सिमम सर बता रहा हूँ, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिए जाए डीआई की, तो हमें उम्मीद है कि सर अगर 5 प्रश्न आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन, तो 5 के 5ों सही होंगे। उसमें ऐसा कुछ, क्योंकि मैथमेटिक्स उसमें कैलकुलेशन होता है तो उसमें गलत होने की संभावना नहीं रहती है, ना कोई कॉन्सेप्ट होता है उसमें। तो डीआई में 5 के, मेरे लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था तब भी 5 के 5 पूरे सही थे, 5ों प्रश्न, इस बार भी मेरे सभी सही हैं सर। जी यस सर, तो यही है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, और डीआई के क्वेश्चन बिल्कुल सही कहे सर। सर आपने भी देखा होगा बहुत बार कि डीआई के क्वेश्चन कई बार तो इतने इजी आ जाते हैं कि उसे 7वीं क्लास का बच्चा भी सोल्व कर सकता है। मैं जी हमने जी हमने क्या किया है कि 2019 के, 2020 के सभी शिफ्ट के जितने भी डीआई के क्वेश्चन आए हैं सभी शिफ्ट के, वो सारे के सारे हमने
अनअकैडमी पे करवाए हुए हैं, हमारे चैनल पे भी करवाए हैं, तो उनमें मैं हैरान रह जाता हूँ कि इतने आसान क्वेश्चन आते हैं सर, इतने आसान क्वेश्चन कि उसे 7वीं क्लास का बच्चा जी भी आसानी से कर सकता है। लेकिन हमारी एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि DI के जो क्वेश्चन है ना, बस वो हमें नहीं आते, उससे बहुत डर लगता है। तो वो हमें डर तभी निकलेगा जब हम ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कर करके देखेंगे। जी और उसके लिए मैं अपने दोस्तों को बता ही चुका हूँ कि हमने सभी यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग कर रखे हैं, और प्लस में हमने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग का, DI का और लॉजिकल रीजनिंग का, तीनों यूनिट का हमने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगर किसी दोस्त को प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्यूशन से देख सकता है। लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी हमसे पूछ सकते हैं। सर, मुझे आपके चैनल की सबसे अच्छी चीज लगी, मैंने कुछ वीडियो आपकी देखी थी, आपने कैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ, तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपकी, आपने सर उस टॉपिक की अलग से कुछ मैंने वीडियो आपकी भी देखी थी, तो उससे क्या बहुत चीजें, अगर वो वीडियो कोई बंदा देख ले, अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तो उससे उसे बहुत चीजें आसान हो जाती है कि हाँ कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर खुद सॉल्व करे तो उन चीजों को ना पकड़ पाए कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन फिर वो वीडियो भी देख लेगा उस टॉपिक की, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसे बहुत मतलब अच्छा लगेगा, अच्छा यही वो क्वेश्चन था, रिपीट हुआ था, सर बताए थे और ये इसमें सॉल्व पेपर में भी दिया है। तो वो मेरे हिसाब से सर वो वीडियो सभी को देखना चाहिए जो आपने बनाए हैं, कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हर थर्ड यूनिट का आपने बनाया हुआ है। सर, एक क्वेश्चन है सर, आपने भी शायद नोट किया होगा कि जो हमारा स्केयर होता है, स्केयर की भुजा में 1% का अगर चेंज कर देते हैं तो उसके एरिया में कितना चेंजेस आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर हम करने बैठे तो हमारे लग जाएंगे 2-3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इसका सीधा सा डायरेक्ट अभी 1% अगर बढ़ाएंगे तो 2% चेंज होगा। और ये जो क्वेश्चन है सर, 2009 में भी आया है, 2020 में भी आया है ये क्वेश्चन, और 2014 के आसपास भी आया है। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन सर 3 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अगर कोई दोस्त ये कर लेता है तो उसे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है सर, उसे पता नहीं है। सर, वो आपने जितनी भी कैसे 10 यूनिट हैं आपने सभी यूनिट का बनाया है जी रिपीट, कौन से कोई वो सभी को वो वीडियो देखने चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन रिपीट कौन सा हो रहा है, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है मतलब आगे की प्रिपरेशन में पढ़ते यस सर, टाइम। बिल्कुल सही कहा सर। तो हमारा यही प्रयास है, और ये जो सर कह रहे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियोस हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दें, वहां से आप उसे देख सकते हैं। जी सर, तो आज के लिए बहुत है सर, आपने काफ़ी अपना जी कीमती समय दिया हमें, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही सर, थैंक यू, ठीक जय ठीक हिंद, बाय बाय। थैंक दोस्तों, अगर आपको नेट और GR चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और DI के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो GRF है।